स्टूडेंट, आज क्लास हम बात करने वाले एडमिक्सचर्स इन कंक्रीट यानी कंक्रीट में प्रयोग होने वाले सम्मिश्रणों के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर्स के बारे में, यानी त्वरक और मंदकों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जब हम कंक्रीट का निर्माण करते हैं तो कंक्रीट को बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होगी। फाइन, अगर हम सीमेंट कंक्रीट बनाना चाहते हैं तो फाइन एग्रीगेट की फॉर्म में हम सैंड ले लेते हैं, कोर्स एग्रीगेट की फॉर्म में हम स्टोन बैलास्ट ले लेते हैं, और बाइंडिंग मटेरियल की फॉर्म में हम सीमेंट और वाटर लेकर हम क्या करते हैं, उसको मिक्सअप करते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा बन के आता है वो कहलाता है हमारा कंक्रीट। यानी मिक्सिंग के बाद हमें जो पदार्थ मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। तो कभी क्या होगा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जो उस कंक्रीट में कुछ हमें विशेष गुण उत्पन्न करने पड़े, जैसे कि हमें वर्केबिलिटी को बढ़ाना हो एक कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो पर, या फिर हमें बहुत जल्दी से उस सीमेंट को, सीमेंट कंक्रीट को सेट कराना हो, या फिर हम ये चाहते हैं हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं साइड के अकॉर्डिंग जहां पर हम चाहते हैं कि कंक्रीट धीरे धीरे सेट हो, तो ऐसी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज उत्पन्न करने के लिए हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर एयर बबल्स डेवलप हो जाए, तो बहुत सारी हो सकती हैं ओवरऑल। लेकिन हम तो ऐसी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज उत्पन्न करने के लिए हमें कुछ पदार्थ मिलाने पड़ते हैं कंक्रीट के अंदर, उन्हीं पदार्थ को, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जो सीमेंट कंक्रीट के अंतर्गत कुछ एक विशेष गुण उत्पन्न करते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, एडमिक्सर्स कहते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि एक्सेलरेटर और रिटार्डर कौन कौन से हमारी स्पेशल प्रॉपर्टीज कंक्रीट के अंदर डेवलप कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेटर के बारे में, यानी कि त्वरकों के बारे में। तो देखिए, एक्सेलरेटर क्या है, एक्सीलेटर का वैसे हम मतलब समझेंगे तेजी से वर्क करना, जैसे कि हम किसी चीज का, किसी व्हीकल का हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो क्या होता है, स्पीड में वर्क करने लगता है वो, तो बिल्कुल वही। तो एक्सीलेटर हमारे क्या होंगे, कुछ ऐसे एडमिक्सचर्स होते हैं जिनको अगर कंक्रीट में मिला दिया जाए तो मिलाने पर क्या होगा, सीमेंट कंक्रीट में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो रेट ऑफ हाइड्रेशन हो रहा है, वो क्या कर देता है, उसे इंक्रीज कर देता है, और सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एडमिक्सचर्स हमारे, यानी एक्सीलेटर हमारा ऐसा एडमिक्सचर्स है जो क्या करता है, यानी सीमेंट कंक्रीट का अगर तो उसे मिला दिया जाए तो सीमेंट का जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, जो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रही है, वो क्या कर देगा, उसे एक्सेलरेट कर देगा। यानी उसको अगर हम मिला देंगे तो बहुत तेजी से रिएक्शन होने लगेगी, और उसी के वजह से क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन तेज होगी तो सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि सीमेंट हमारी क्या हो जाएगी, जल्दी से सेट हो जाएगी। और जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेट द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट, यानी सीमेंट के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, जो रेट ऑफ हाइड्रेशन चल रहा है, उसे क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसे बढ़ा दे रहा है, और उसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है जो कि वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्चुअल से कम हो जाएगा, यानी सीमेंट जल्दी से ही सेट हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन अगर होगी तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ आने वाली है वो बहुत तेजी से स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, यानी जो हमारा सीमेंट का जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज जाएगा, यानी वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा हम कब यूज करेंगे, यानी हमारे सामने ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो जब कंक्रीट के अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टीज हम डेवलप करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं कोल्ड प्लेसेस में, यानी कि आप ऐसे वातावरण में कंक्रीटिंग कर रहे हैं जहां पर हम ये चाहते हैं बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है, माइनस में टेम्परेचर है, तो होगा क्या, जैसे हम कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीटिंग जैसे हम करना स्टार्ट करेंगे, उसकी प्लेसिंग करेंगे, तो कोल्ड वेदर का अटैक होते ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो हमारे पानी का, जो हमारा पानी है, वाटर सीमेंट रेशियो जो है उसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और उसके अंदर प्रॉपर केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि कोल्ड वेदर का अटैक होने से पहले, यानी उस ठंड का अटैक होने से पहले ही सीमेंट में बहुत तेजी से रेट ऑफ हाइड्रेशन हो, और सीमेंट उस अटैक से पहले ही, सीमेंट कंक्रीट उस अटैक से पहले ही क्या हो जाए, जम जाए, और उसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत तेजी से डेवलप हो जाए। तो हम यही कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर कोल्ड वेदर है वहां पर हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कब यूज कर सकते हैं, सपोज कीजिए आप जल्दी फर्म वर्क हटाना चाहते हैं, यानी आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि फर्म वर्क आप बहुत ही जल्दी से रिमूव करना चाहते हैं स्ट्रक्चर से, जबकि हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए 14 डेज 20 डेज, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया का हम IS कोड अकॉर्डिंग देखते हैं, किसी का 24 आवर होता है, किसी का 3 डेज, किसी का 7 डेज, किसी का 17 डेज, किसी का 14 डेज। तो इस तरह से अलग अलग हमारे जो स्ट्रक्चर मेंबर है, अलग अलग हमारा फर्म वर्क का ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम में हटा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सीमेंट कंक्रीट उस कोड के जो स्टैंडर्ड हमें वैल्यू दी गई उससे भी जल्दी से हटाना चाहते हैं। ओवरऑल हम फर्म वर्क को अगर जल्दी हटाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हम ये चाहेंगे कि सीमेंट कंक्रीट जिस भी स्ट्रक्चर मेंबर के लिए
लिखी गई है, चाहे वो बीम के लिए, स्लैब के लिए, तो वो क्या करे, हमारे जल्दी से स्ट्रेंथ गेन करे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटर का यूज कर लेते हैं। तो देखें दो पॉइंट हो गए कि व्हेन कंक्रीटिंग इज डन इन कोल्ड प्लेसेस, जब कंक्रीट हमारी ठंडी जगहों पर हो, जहां पर टेम्परेचर माइनस में हो, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर वगैरह ऐसे ठंडे प्लेसेस जितनी भी हैं, कहीं पे भी हो सकती है, तो उन सब क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटर का यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। और दूसरा, जब व्हेन वी रिक्वायर द अर्ली रिमूवल ऑफ फर्मवर्क, यानी हम जब फर्मवर्क को बहुत जल्दी से हटाना चाहते हैं, तब भी हम एक्सीलरेटर यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा, When we require the early strength of concrete, जब हम ये चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम कोई ऐसी युद्ध वगैरह हो रहा है और हमें टेम्प्रेरी मिलिट्री के लिए या फिर हमें किसी भी सेना के लिए हमें कोई एक दीवार बनानी है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक्सीलेटर का यूज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जल्दी से स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे उसकी, तब भी हम यूज कर सकते हैं। When we require the early strength of concrete, यानी जब हमें कंक्रीट की जल्दी से स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो, और when rapid setting is required, जब बहुत ही जल्दी सेटिंग की रिक्वायरमेंट हो सीमेंट कंक्रीट की, तो उस केस में हम क्या यूज कर लेते हैं, एक्सीलरेटर। और ये क्या करते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो सीमेंट कंक्रीट और वाटर के बीच हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ गेन होगी, वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ओवरऑल हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एक्सीलरेटर क्या कर देगा, बढ़ा देते हैं। तो अब आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो अब हमारे इसके एग्जांपल्स क्वेश्चन हमारा आता है, व्हिच ऑफ करेक्ट या व्हिच इज नॉट करेक्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन टॉपिक तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, जनरली याद रहते भी हैं। आगे बात करते हैं कि एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो हमारा NaCl है, वो उसका यूज हम कर सकते हैं एज ए एक्सीलेटर। सोडियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं, Na2CSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब एग्जांपल्स हैं हमारे कुछ जिनका हम यूज कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैंने यहां पर लिखा ही नहीं, जो कि नीचे लिखा हुआ है नोट में, कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड से रिलेटेड आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और भी बतानी है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा एक्सेलरेटर है जो एक्सेलरेटर की तरह भी वर्क करता है और रिटार्डर की तरह भी वर्क करता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि जो कैल्शियम क्लोराइड है वो एक्सेलरेटर की तरह वर्क करता है और रिटार्डर की तरह भी वर्क करता है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है देखते हैं। देखें यानी अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को 2% तक मिलाते हैं, यानी कि सीमेंट वेट का 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अगर उसके अंदर ऐड किया जाएगा, देन द कैल्शियम क्लोराइड विल एक्ट लाइक ए एक्सीलरेटर, यानी वो क्या करेगा, हमारे एक्सीलरेटर की तरह वर्क करेगा। तो व्हेन एडेड अप टू 2% एक्ट लाइक एक्सीलरेटर, यानी कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा हमारा एक्सीलरेटर है जिसको अगर हम सीमेंट कंक्रीट के अंदर मिलाते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट हमारी क्या होगी, 2% अगर मिला रहे हैं तो वो उसमें सीमेंट कंक्रीट में वो एक्सीलरेटर का वर्क करेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, केमिकल रिएक्शन होना इंक्रीज करेगा, और सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हमारी जल्दी से आएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका अगर प्रपोर्शन 2% से इंक्रीज कर दिया जाए, तब ये क्या करेगा, रिटार्डर की तरह वर्क करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम क्लोराइड को एग्जैक्ट क्या है वो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं कि इसकी परसेंटेज कितनी यूज कर रहे हैं, मोर देन 2% देन इट विल एक्ट लाइक ए रिटार्डर, अगर हम बात करें 2% तक देन इट विल लाइक एक्ट एक्सीलरेटर, यानी ये हमारा एक्सीलरेटर की तरह वर्क करेगा। कब, जब 2% तक यूज करेंगे, और 2% ज्यादा यूज करेंगे तो रिटार्डर की तरह वर्क करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो कैल्शियम क्लोराइड है और जो सोडियम क्लोराइड है, ये ऐसे क्षेत्र में हम कंक्रीटिंग को परमिट कर देते हैं जहां पर -23°C तक हमारा तापमान है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। तो कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड आर परमिट कंक्रीटिंग इन वेरी कोल्ड वेदर लाइक -23°C, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर -23°C तक भी तापमान है, वहां पर हमारा क्या होगा, ये कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड हमारे यूज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जो नोट बनाए मैंने 3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से निकलता है। आगे देखें, अब बात करें हम ऐसे सारे एक्सीलरेटर जो इसमें क्लोराइड कंटेंट है, वो क्या करते हैं, वो सीमेंट में, सीमेंट कंक्रीट के अंदर जंग को प्रोड्यूस करते हैं, यानी स्टील में जंग को प्रोड्यूस करते हैं, प्रमोट करते हैं कोरोजन को। तो देखिए ऑल क्लोराइड बेस्ड एक्सीलरेटर, यानी जितने भी हमारे क्लोराइड बेस्ड एक्सीलरेटर हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, वो क्या करते हैं, दे प्रमोट कोरोजन इन स्टील। स्टील में क्या करते हैं, जंग लगने को बढ़ावा देते हैं, यानी जंग उससे लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी उसको प्रमोट करते हैं कोरोजन को। तो अब आगे बात करें, वी शुड नॉट यूज, यानी हमें यूज नहीं करना चाहिए, कब कब,
जब हम रेनफोर्समेंट कंक्रीट बना रहे हों या फिर हम स्टीम क्यूर्ड कंक्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाप द्वारा अगर तराई हो रही है कहीं पर भी तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड नहीं मिलाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारा है वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे डैम वगैरह होते हैं उनमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे सभी स्ट्रक्चर जो वाटर को रिटेन कर रहे हैं वहां पर भी हम एक्सीलरेटर का यूज नहीं करते हैं। तो ये था हमारा एक्सीलरेटर। अब आगे बात करते हैं रिटार्डर्स पर। रिटार्डर जैसे इसका अपोजिट है, जल्दी से समझ लेते हैं। देखें रिटार्डर क्या है, रिटार्डर का मतलब है मंदक, यानी किसी चीज को धीमा कर देना। यानी कि ये ऐसे एडमिक्सचर्स हैं, यानी ऐसे एडमिक्सचर हैं जिनको अगर कंक्रीट में मिला दिया जाए तो रेट ऑफ हाइड्रेशन जो केमिकल रिएक्शन है उसे क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। जब केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगी, हाइड्रेशन और हाइड्रेशन रेट हमारा स्लो हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो जलयोजन क्रिया हो रही है वो कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एंड डिक्रीज यानी रिड्यूस द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्या देखने को मिलेगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज डिक्रीज, यानी जो हमारा स्ट्रेंथ गेनिंग रेट है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा जमेगा, बहुत देर तक जमेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये तभी यूज करना है, यानी रिटार्डर हम तभी यूज करेंगे जब हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हम कंक्रीट को जानबूझकर धीरे धीरे सेट करना चाहते हैं, कंक्रीट को जानबूझकर हम बहुत ज्यादा समय तक रखना चाहते हैं, बाद में उसका यूज करना चाहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन कहां बन सकती है, बन सकती है जब हम हॉट वेदरिंग में, यानी कि वैन कॉन्क्रीट इज डन इन हॉट वेदर। हॉट वेदर में क्या होगा, जैसे गर्मी का इफेक्ट पड़ेगा उसके अंदर जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो क्या होगा, गर्मी के इफेक्ट की वजह से वो वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाएगा, और हॉट वेदर का इफेक्ट पड़ने से क्या होगा, हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कम होने की वजह से स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, उसकी घट सकती है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, रिटार्डर मिला देते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होगी और जो हॉट वेदर की वजह से जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। और दूसरा, जब हमें बहुत लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन करना हो, यानी हमें पता है कि जहां हमारा आरएमसी सेंटर है, यानी कि रेडी मिक्स कंक्रीट का जहां सेंटर है, और जहां हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, उस 30 मिनट के अंदर हमें उसकी क्या ट्रांसपोर्टेशन, मिक्सिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन वगैरह हमें सब कुछ कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, हमें पता चल रहा है कि हमें एक घंटा लगेगा ट्रांसपोर्ट करने में ही, तब हमें क्या करना होगा, हम ये चाहते हैं कि सीमेंट जम ना जाए, तो उस केस में हम उसके अंदर रिटार्डर मिला देंगे, और रिटार्डर मिलाने से हमें क्या देखने को मिलेगा कि सीमेंट हमारी धीरे धीरे सेट होगी। चलिए आगे बात करते हैं। व्हेन वी रिक्वायर्ड डिले स्ट्रेंथ, यानी जब हमें बहुत धीरे धीरे स्ट्रेंथ आने की जरूरत है। व्हेन स्लो सेटिंग इज रिक्वायर्ड, यानी जब हमें बहुत स्लो सेटिंग कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है तब हम इसका यूज करते हैं। अब आते हैं आगे, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम, आप जानते होंगे जिप्सम हम सीमेंट का जब निर्माण करते हैं भी हम यूज करते हैं। चलो दूसरा, सुगर स्टार्च यानी कि चीनी स्टार्च, फेरिक क्लोराइड एंड सेलुलोज, ये कुछ हमारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो अगर हम कंक्रीट में मिला दिया जाए तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, सीमेंट का जो हमारा स्ट्रेंथ गेनिंग रेट है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो अब देखिए इसके कुछ फिक्स अमाउंट की अगर हम बात करें तो नोट के फॉर्म में मैंने एक पॉइंट लिख रखा है यहां पर, 0.2% ऑफ सुगर बाय मास ऑफ सीमेंट इज एडेड, यानी कि अगर हमारी सीमेंट मास के अकॉर्डिंग 0.2% अगर चीनी उसके अंदर ऐड कर दी जाए तो उस केस में उसका फाइनल सेट जो है, यानी फाइनल सेटिंग के बाद जो हमारी फाइनल सेट जो होने वाला था वो 72 घंटे से भी ज्यादा हो सकता है, जबकि हमारा फाइनल सेटिंग टाइम कितना आता है, 10 घंटे में आ जाता है सीमेंट ओपीसी का। लेकिन ये कह रहा है फाइनल सेट मे बी टेक प्लेस इवन फॉर 72 आवर, के 72 घंटे तक भी ऐसा हो सकता है कि उसका फाइनल सेट हमें देखने को ना मिले। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा हमारा उसके अंदर ये जो सेटिंग टाइम वो हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। और एक और मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था, आप इसको एक बार चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी, ऐसा भी कहते हैं कि अगर इतनी सीमेंट हमारे, ये तो फाइनल सेट हो गया कि इनिशियल सेटिंग टाइम 4 घंटे बढ़ जाता है, ऐसा मैंने किसी क्वेश्चन में देखा था। तो उसमें ऑप्शन था कि अगर सीमेंट कंक्रीट में सुगर ऐड कर दी जाए, चीनी ऐड कर दिया है, तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना बढ़ जाता है, तो उसमें ऑप्शन में आंसर देखा था मैंने कि 4 घंटे तक। लेकिन ऐसा मुझे कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा, लेकिन याद कर लीजिएगा, ऑप्शन मिल सकता है, हो सकता है आपको क्वेश्चन सही हो जाए। तो उसमें देता है कि अगर सुगर ऐड कर दी जाए, सुगर अगर उसमें ऐड कर दें, चीनी ऐड कर देंगे, तो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम 4 घंटे बढ़ जाता है। लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा है कि अगर 0.2%
शुगर अगर ऐड कर दी जाए सीमेंट वेट का, तो उस केस में फाइनल सेट हमारा 72 घंटे से भी ज्यादा हो सकता है या 72 घंटे में देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का सहयोग ही हमारी कामयाबी होगी, आप लोगों का लाइक, आप लोगों के कमेंट्स ही हमारी एनर्जी है। तो जरूर करें ये सब वर्क, हमारी मेहनत का सिर्फ इतना ही आउटपुट आप दे सकते हैं। उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे तमाम प्रकार के और एडमिक्सर, जैसे कि एयर एंट्री एजेंट, बॉन्डिंग एडमिक्सर्स, वाटर प्रूफिंग एडमिक्सर्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।